स्वामी जी, समय की अल्पता को देखते हुए मैं एक छोटी सी जिज्ञासा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमने मुक्ति का मार्ग, जीवन, ये सारी चीजें सब कुछ देखी, लेकिन ये जो हमारा, जो आपने बताया कि विजन जो है, ये विजन में ज्ञान दर्शन को फिट करो और फिर उसके अंदर जो मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये हर वक्त बना रहे, लेकिन इसमें शिथिलता बहुत आती है। हालांकि थोड़े समय के बाद में जानकारी आ जाती है हम भटक रहे हैं और फिर तुरंत अरे गलत हो गया, सही दिशा में रहो। लेकिन ऐसा, वैसे आपने बहुत से नुस्खे बताए हैं जो सीखने की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो हमारा ये जो दृष्टि में जो चीज बनी रहे, ज्ञान दर्शन पुष्ट होता रहे, इसके लिए कोई और नई चीज हो तो आप बताएं, जो अभी तक बता चुके हो वो थोड़ा इसकी पुष्टता को बनाए रखने के लिए थोड़ा बताएं। या सबसे पहले आत्मा की यानी ज्ञान की जागृति रखने के लिए सरल रास्ता है अजपा जाप, यानी श्वासों के श्वास के साथ अंदर चलना रहना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा, वो चलता रहना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है, चेंटिंग इनसाइड, वो चलता रहेगा तो जागृति, भले फिर चूक गए फिर जागृति, फिर चूक गए फिर जागृति, फिर चूक गए फिर जागृति, तो ये रहेगी। इसीलिए उसके अंदर आपको सतत जागृत रहना है, मगर अंदर से बाहर कुछ बोलना करना नहीं है, तो ये ज्ञान की जागृति। और दर्शन की जागृति में क्या रहेगा, मैं आपको नुस्खा देता हूं, हर अवस्था की वैल्यू जीरो करो ताकि आप हीरो यानी आत्मा की वैल्यू कर सको। जीरो क्यों है, क्योंकि वह कुदरती रचना है, देने वाला कौन है, कुदरत, लेने वाला कौन है, कुदरत, किसके पास रहेगा, कुदरत के पास, शरीर किसका है, कुदरत का, पंच महाभूत किसका है, कुदरत का, विलीन किसमें होगा, कुदरत में। तो ये सब बातों की जो वैल्यू जीरो करते रहोगे, आते हैं तब भी और जाते हैं तब भी, जन्म होता है तब भी और मृत्यु होता है तब भी, अगर अवस्था की वैल्यू जीरो करोगे तभी आपको आत्मा की वैल्यू एक है वो समझ में आएगी, क्योंकि एक का मतलब कभी जीरो नहीं होगी और जीरो का मतलब कभी एक नहीं होगी, एक का मतलब होता है परमानेंट, जीरो का मतलब होता है टेम्पररी। तो हमारे विजन में रखना है कि ये टेम्पररी है मतलब जीरो है, ये परमानेंट है मतलब एक है। और दूसरा दृष्टिकोण, सेंटर एंड सर्कल, हर अवस्था में हमको मालूम होना चाहिए कि विदाउट सेंटर सर्कल नहीं होते हैं, सर्कल हमेशा टेम्पररी होता है और सेंटर परमानेंट होता है। तो यहाँ सेंटर सर्कल क्या है, आत्मा सेंटर है, बाकी सब अवस्था, अवस्थाएं सब सर्कल है, कर्म का भुगतान आना जाना सर्कल है, जन्म मृत्यु सर्कल है, सभी अवस्था सर्कल है, मगर सेंटर क्या है, आत्मा, आत्मा नहीं तो सर्कल हो ही नहीं सकता है ना। तो ये भी सेंटर और सर्कल की बात ध्यान में रखो, ताकि सर्कल है वो टेम्पररी है और सेंटर परमानेंट है। तो यानी ये सर्कल और सेंटर में सेंटर की वैल्यू समझते रहो तो सर्कल तो अपने आप खत्म हो जाएंगे आयुष्य कर्म वाले, ऐसे यहाँ वन एंड जीरो, जीरो की वैल्यू मत करो क्योंकि जीरो अपने आप ही जीरो होने वाला है, एक ही परमानेंट रहेगा। और तीसरा जो मैंने बताया कि श्वासोश्वास के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसका चैंटिंग। और चौथा अगर बताना चाहूं इन शॉर्ट तो ये है कि आध्यात्मिक यज्ञ जिसमें आपको स्वाहा करना है, क्या करना है, स्वाहा, क्या क्या स्वाहा करना है, भौतिक रॉन्ग बिलीफ। कोई कहता है चंदूलाल अच्छे हैं, हमको कहना है स्वाहा क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं, कोई कहता है चंदूलाल बहुत खराब है, स्वाहा मैं शुद्ध आत्मा हूं, कोई कहता है चंदूलाल बहुत मेहनत करता है, हमको कहना है स्वाहा मैं शुद्ध आत्मा हूं, चंदूलाल सो रहा है स्वाहा मैं शुद्ध आत्मा हूं, चंदूलाल जाग रहा है स्वाहा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो हर बातों के अंदर शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखे, बाकी सब बिलीफ क्या करना है, बिलीफ को स्वाहा करोगे तो मैं समझता हूं आपको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में ये छोटे छोटे नुस्खे बहुत काम में आएंगे। धीरे धीरे हम आध्यात्म की और भी बातें नए नए एपिसोड में करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण, दर्शकगण, चार चीजों को हृदयंगम कीजिए, अगर आपको अपना दृष्टि को बढ़िया बनाना है तो
पहले तो ये है कि केंद्र में आत्मा को रखिए, दूसरा ये है कि जितनी भी रॉन्ग बिलीफ है उसको स्वाह कीजिए और श्वास के साथ के अंदर मानसिक रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो ये चार नुस्खे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी जी ने शॉर्ट में बताए। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।